दूसरे वनडे मैच से पहले रोहित शर्मा ने क्रिस गेल पर दिया ये बड़ा बयान। नमस्कार। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला 8 अगस्त को खेला गया था, जो कि बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। हालांकि पहले मैच में मात्र 13 ओवर डाले गए थे, लेकिन लगातार बारिश के चलते मैच को रद्द करना पड़ा था। वही वेस्टइंडीज टीम की तरफ से T20 सीरीज से दूर रहे क्रिस गेल ने दूसरे वनडे को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। क्रिस गेल ने दूसरे वनडे में सीरीज भारतीय टीम को वनडे सीरीज में हारने, क्रिस गेल के इस बयान के बाद अब भारतीय टीम के उपकप्तान का भी बड़ा बयान सामने आया है। एक इवेंट के दौरान जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि क्रिस गेल भारतीय टीम को हराने के बयान दिया है, इससे आपका क्या कहना है, वही रोहित शर्मा ने हंसकर जवाब देते हुए कहा, क्रिस गेल मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और मैं जानता हूं कि ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दी क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ी जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस करके आए दूसरे मुकाबले के लिए, लेकिन मैं उन्हें और पूरी वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ियों को बता देना चाहता हूं कि भारतीय टीम अपनी प्रैक्टिस खत्म कर चुकी है और T20 सीरीज में वेस्टइंडीज टीम को 3-0 से हराया है। अगर अब उन्हें दूसरा ODI मुकाबला जीतना है तो मुझे लगता है कि उन्हें प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा मुकाबला आज 11 अगस्त को खेला जाएगा। दोस्तों, आप रोहित शर्मा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।